हेलो सर, आप लोग देखिए दूसरा T20 आज है श्रीलंका वर्सेस इंडिया का। ठीक है, मैच आपका डांबोला में ही होगा। लास्ट मैच में इंडिया ने 138 बनाए थे और वो डिफेंड हो गया था। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको दे दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा लास्ट के कुछ मैचेस में कितना स्कोर बना है। पिच ईजी थी। ठीक है, अभी फिर बोलता हूँ, मैंने देखा डांबोला की पिच ईजी थी, हालांकि श्रीलंका की पिच इतनी ईजी होती नहीं है। ठीक है, बट पिच ईजी थी तो अगर इंडिया बैटिंग करती है तो हाई स्कोर आपको देखने मिल सकता है। मतलब जैसा मैंने आपको बताया है 140-160 का स्कोर बनता है वुमेंस में, 160-200 माना जाता है। और श्रीलंका की बैटिंग बहुत पुअर है, इनकी बॉलिंग अच्छी है। लास्ट मैच में आपको याद होगा मैंने एकदम साफ साहब बोला था कि श्रीलंका में आप किस किस को ले सकते हो, उन्हीं ने प्रदर्शन किया। एक हर्षिता, क्या नाम है इसका, कविशा दिलहारी थी, चमारी अट्टापट्टू, और इनके दो लेफ्ट आर्म के स्पिनर। ठीक है, जैसे उषाढ़ा राणा सिंघे हो गए, सुगंधिका कुमारी, और इनो का रणवीरा। ठीक है, तो इनकी टीम में ऐसे में भी ऐसे कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, इंडिया में देखा जाए तो इंडिया आज भी जीतेगी। ठीक है, ये पूरे टूर्नामेंट में आपको जीतते मिलेगी, और मैच टू मैच शायद ही किसी मैच में आपको श्रीलंका मतलब फेवरेट भी आते मिले बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इन्हीं को पकड़ के रखिएगा, इनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ये 100-120 भी बनाते हैं तो डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका की बैटिंग बहुत पुअर है। श्रीलंका की बॉल, अब ये है कि अगर कोई मैच में चमारी अट्टापट्टू टिक जाए, सीधा सेंचुरी मार दे या तो 80-90 रन बना दे, तो जाके ये कंपटीशन दे सकते हैं। अगर ये पहली बैटिंग करके 130-140 बनाते हैं तो शायद थोड़ा बहुत कंपटीशन दे सकते हैं। अदरवाइज इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और इनकी टीम बहुत सॉलिड हो गई है, इधर भी तो बहुत सॉलिड हो गई है। अगर नेक्स्ट ईयर में जब आपका वुमेंस का IPL होगा उसके बाद ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आज आपको आज भी ये जीतते मिलेगी। ठीक है, और तो कुछ बोलना नहीं है, बस थोड़ा सा था आपको मेन प्लेयर के बारे में अगर मैं बता दूँ तो बैटिंग ही लीजिएगा, क्योंकि इंडिया में बैटिंग जैसे ये दोनों हो गए, अब जमैया रोड्रिगस ने अच्छा परफॉर्म किया था, हरमनप्रीत कौर का, 7 प्लेयर इंडिया के लीजिएगा। अब 7 प्लेयर में आप बोलोगे भाई किसको किसको हटाना है, तो आप तो इसको हटा सकते हो। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क।